नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 2 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। देखो, कल वाली डिस्कशन और आज की जो डिस्कशन है, दोनों डिस्कशन की पीडीएफ एक साथ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 3,323 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? याद बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर तो वैसे उड़ीसा है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उड़ीसा। अब यहां से आप जल जीवन मिशन इसके बारे में एक दो इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, कल भी हमने डिस्कस की थी, आज दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। जल जीवन मिशन, इसको जो लॉन्च किया गया था ना, इसको लॉन्च किया गया था कब? 15 अगस्त 2019 में। डेट आप याद रखेगा, 15 अगस्त 2019 को ये लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में जो नल का पानी है यानी टैप वाटर, ये प्रोवाइड कराना। तो ये आप याद रखेगा, उड़ीसा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की, तमिलनाडु। देखो, भारत का पहला जो डुगोंग संरक्षण रिजर्व है ये तमिलनाडु में बनेगा। गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया था। गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया था। अब बात हुई है उड़ीसा की, जो उड़ीसा का इंपोर्टेंट करंट अफेयर है वो हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, उड़ीसा ने 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी की। अक्टूबर 2021 में उड़ीसा ने राज्य में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बीजु स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की शुरुआत की है। उड़ीसा सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर 2021 को राज्य भर के समाचार पत्रों के फेरी वालों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की। उड़ीसा सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को गंजम के गोपालपुर में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट 10M मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स की नींव रखी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने वायु स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की। ये उड़ीसा का और करंट अफेयर है। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया, ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज अकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में राम लिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सूजन नल मिशन से पे योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया। मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध उड़ीसा से है। 29 जुलाई 2021 को उड़ीसा ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की। उड़ीसा ने अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की और अब इनके वितरण भी स्टार्ट कर दिए हैं। उड़ीसा राज्य में नुआखाई राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव 11 सितंबर 2021 को मनाया गया। अब उड़ीसा की लोकेशन देखिए, यह है उड़ीसा की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, चार राज्यों के साथ उड़ीसा की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। भुवनेश्वर कैपिटल है, 1 अप्रैल 1936 में फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है, गणेशी लाल राज्यपाल है। कटक में इसकी हाईकोर्ट है, झा के मुख्य न्यायाधीश है एस मुरलीधर। 30 जिले हैं लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चारों उड़ीसा में है। चिल्का लेक, ये काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जो उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम महानदी रिवर के किनारे है। मंदिरा डैम संख रिवर के किनारे है। राउरकेला, जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। स्टेट एनिमल है यहाँ का सांबर डियर और स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। तो ये थी उड़ीसा की बेसिक इन्फॉर्मेशन। सेकेंड क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 1 जनवरी 2022 को अपना कौन सा वा स्थापना दिवस मनाया? तो ये बनाया 64वां स्थापना दिवस, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, DRDO। अब इसके बारे में हम दो तीन फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहले, इसको फाउंड कब किया गया था? तो वही स्थापना हुई थी कब,
1958 में, ये सन आप याद रखेगा, मतलब ईयर जो है। मुख्यालय कहाँ पर है? प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर जो है इसका, ये नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन कौन है? तो देखो इसके जो चेयरमैन है ये हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन हैं। इसके रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कौन है, मतलब जो मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल है कौन सी है? तो देखो जो राजनाथ सिंह है ना, राजनाथ सिंह कौन है? हमारे रक्षा मंत्री, और यही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल ऑफ मिनिस्टर है, मतलब मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल है आप ये कह सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखो इसका उद्देश्य है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को मजबूत बनाना और सेल्फ रिलायंट बनाना। तो ये दो तीन फैक्ट आप याद रखेंगे जो अक्सर एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं और काफी बार पूछे गए हैं। थर्ड क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ ये बने हैं वीके त्रिपाठी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दुर्गा शंकर मिश्रा, ये भी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। अमित आमिर सुबहानी, ये अभी रिसेंटली बिहार के मुख्य सचिव बने हैं। अमित खरे, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के सलाहकार यानी एडवाइजर इनको अपॉइंट किया गया था। तो थर्ड क्वेश्चन का डी आंसर सही है, वीके त्रिपाठी। फोर्थ क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला किस राज्य में रखी? तो ये रखी है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पश्चिम बंगाल की बात करें, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल ने स्टार्ट की। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना की सरकार ने दलित बंधु योजना इसको स्टार्ट किया। और आंध्र प्रदेश सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम को स्टार्ट किया। अब इस बॉक्स में आप देख रहे हैं ये है उत्तर प्रदेश का इंपोर्टेंट करंट अफेयर, ये और करंट अफेयर है, ये लोकेशन है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो ये आप खुद ही कवर कर लीजिएगा। सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी हमने कल या परसों वाले डिस्कशन में इसको डिटेल से कवर भी किया है। फिफ्थ क्वेश्चन, एस बालचंद्रन को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बारबाडोस ये जो कंट्री है यहाँ पर ही एस बालचंद्रन को भारत के अगले उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। फिनलैंड की जो कैपिटल है यह है हेलसिंकी, करेंसी है यूरो। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। मैक्सिको, मैक्सिको की जो सिटी है मैक्सिको सिटी, ये करेंसी है, और ये मतलब मैक्सिको सिटी कैपिटल है और करेंसी क्या है? पीसो। पेरू की बात करें, लीमा कैपिटल है और सोल इसकी करेंसी है। बारबाडोस की बात करते हैं, पहले इसकी आप लोकेशन देखें। देखो ये है बारबाडोस। ब्रिज टाउन ये क्या है? ये इसकी करेंसी है, और बारबाडोस डॉलर ये करेंसी है, और ब्रिज टाउन इसकी कैपिटल है यानी राजधानी। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिज टाउन या फिर बारबाडोस की जो कैपिटल है ये क्या है, तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेगा। बढ़ते हैं आगे। किसने 100 दिवस से पढ़े भारत अभियान लॉन्च किया है? तो अभी रिसेंटली जो धर्मेंद्र प्रधान है, यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। देखो क्वेश्चन सबसे पहले उठेगा कि किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान। नाम से तो आप जान गए होंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करना। और ये कितने दिन का है? तो ये 100 दिवस से है, मतलब 100 डेज का ये कैंपेन है। तो बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, धर्मेंद्र प्रधान। भारतीय तट रक्षक के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। ए ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एट्थ क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2021 को किस राज्य में 315 जल आपूर्ति योजनाओं के लिए जल जीवन मिशन के तहत 9,544 करोड़ रुपए के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? तो झारखंड जो है, बी ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और जल जीवन मिशन के बारे में हम फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। ये झारखंड की लोकेशन है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, रमेश बाइस राज्यपाल है, रांची राजधानी है, 15 नवंबर 2000 को फॉर्मेशन हुई थी, 24 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 6, विधानसभा की 81 सीटें हैं। रांची में हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश है रवि रंजन। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश 5 राज्यों के साथ झारखंड की बाउंड्री शेयर होती है। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मतलब किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है सिक्किम के अंदर। सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सिक्किम। 10th क्वेश्चन, कौन सा राज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है इसमें तेलंगाना। तेलंगाना पहले पे रहा है, दूसरे पे कौन रहा है? दूसरे पे रहा है तमिलनाडु, और तीसरे पे जो रहा है ये रहा है गुजरात। तो
तो ये शुरू के टॉप 3 स्टेट आप याद रखेगा। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य के झांसी रेलवे स्टेशन को अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? उत्तर प्रदेश। नीति आयोग के राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन है? केरला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 दिसंबर 2021 को किस राज्य में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? उत्तराखंड से ही आंसर है। पंकज शर्मा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? मैक्सिको में। नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2021 में किस आईआईटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया? आईआईटी मद्रास सही आंसर है। दिसंबर 2021 में किस राज्य ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीती? तो ये जीती है उत्तर प्रदेश ने। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राइट टू पी अभियान किस राज्य में शुरू हुआ? दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में 4 विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी? कौन 200 टेस्ट क्रिकेट लेने वाले 5वें भारतीय तेज गेंदबाज बने? हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट को किस देश ने लॉन्च किया? किस देश ने विश्व का पहला ड्यूल मॉडल वाहन पेश किया? दिसंबर 2021 में किसे वन मंत्रालय का महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।